साउथ एशिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एग्जीबिशन एक्सकॉन, और इतने बड़े एग्जीबिशन में हॉल नंबर 5 में टाटा मोटर्स ने अपना स्टॉल लगाया है, और उसमें उन्होंने अपने एग्रीगेट बिजनेस के बारे में बात करी हुई है। अब टाटा मोटर्स के एग्रीगेट वाले बिजनेस में भी अलग अलग कंपोनेंट्स इन्होंने डिस्प्ले किए, जैसे कि एक्सल्स, जेनसेट्स, इंजिन्स, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए आज हम चलते हैं एक्सकॉन 2023 में हॉल नंबर 5 में टाटा मोटर्स के इस स्टॉल पे और जानते हैं कि क्या कुछ खास है और क्या कुछ नया दिखा है। सबसे पहले जैसा कि स्टॉल में आप देख पा रहे हैं एक्सल्स रखे हुए हैं, तो ये पहला लाइव टैंडम एक्सल है जिसमें पीछे के एक्सल में भी पावर आप ड्राइव कर सकते हो। अब अगर इन एक्सल्स की बात करो तो आपको ना सिर्फ वेट एडवांटेज मिलता है बल्कि ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं, जिस कारण से आपका लॉन्गेविटी एडवांटेज भी होता है। अब सेफ्टी तो आपको पता है, टाटा मोटर्स तो पैरामाउंट है ही, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें लुब्रिकेशन का एडवांटेज मिलता है। पार्ट्स और कंपोनेंट्स हर जगह मिल जाते हैं क्योंकि पूरे भारत में वाइड स्प्रेड है। अब अलग अलग लोड रेटिंग्स और अलग अलग रिडक्शन रेशियोज के साथ में ये मिल जाते हैं, और इन हब रिडक्शन एक्सल सीरीज की बात करें तो काफी सारे एप्लीकेशंस भी है यहाँ पे यूज होते हैं। उसके बाद हमें देखा टाटा मोटर्स का 82.5 kVA का जेनसेट। अब ये जेनसेट 497 टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ में पावर्ड है, जो कि इंजन ऑब्वियसली टाटा मोटर्स का बहुत ही जाना माना इंजन। अब 3.7 लीटर के इस इंजन की CPCV4+ एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस होते हैं, मतलब लेटेस्ट एमिशन नॉर्म्स को कंप्लायंस करता है। अब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन वाले इस इंजन में आपको बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और कंटीन्यूअस ऑपरेशन का ट्रस्ट मिलता है, जिस कारण से ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होता है। और वैसे भी टाटा मोटर्स के जेनसेट्स की अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ना सिर्फ लो नॉइस लेवल होते हैं बल्कि फ्यूल इफिशियंट होते हैं, बेटर पावर टू वेट रेशियो होता है, पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, कॉम्पैक्ट साइज होती है और रोबस्ट डिजाइन होता है ताकि लंबा ड्यूरेबल रहे। और हाँ, मेंटेनेंस तो आपको पता ही आसान है, और 1000 से ज्यादा सर्विस पॉइंट्स के साथ पे आपको हमेशा इमीडिएट सर्विस मिलेगी। और इसके बाद में टाटा मोटर्स ने उनकी इंडस्ट्रियल इंजन की सीरीज दिखाई। अगर इंडस्ट्रियल इंजन की बात करो तो यहाँ पे 497 सीरीज का 4 सिलेंडर का इंजन विद गियरबॉक्स डिस्प्ले किया गया। 55 हॉर्स पावर से लेकर 101 हॉर्स पावर तक जाने वाला ये नेचुरली और टर्बोचार्ज दोनों कन्फिग्रेशन में अवेलेबल 3.8 लीटर इंजन बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल है, काफी सारी आपको एप्लीकेशन में एप्लीकेशन करते दिख जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पिक एंड कैरी क्रेन सी ले लो, बहुत ज्यादा डिमांड में। और इससे भी बेहतर बात की CEB5 यानी कि BS5 एमिशन नॉर्म्स को कंप्लायंस करता है, मतलब भविष्य में आने वाले एमिशन नॉर्म्स के लिए आज से ही तैयारी कर ली गई। और अगर टाटा मोटर्स के इंडस्ट्रियल इंजन की बात करें तो आपको 4SP62 हॉर्स पावर का इंजन तो मिलेगा ही, साथ में आपको 497 49 PS, 697 टर्बोचार्ज इंटरकूल 101 PS, 697 टर्बोचार्ज इंटरकूल 130 PS में, और इसी इंजन के 76 HP, 785 HP और अलग अलग हॉर्स पावर बैंड, पावर बैंड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं। और इसके बाद एग्रीगेट वाले स्टॉल पर दिखाया गया 3.3 लीटर सीरीज का एक 4 सिलेंडर का इंजन। अगर इस इंजन की बात करें तो 138 हॉर्स पावर की पावर बढ़ा सकता है, और मैंने बताया 3300 cc का तो है ही, साथ में CEB5 एमिशन नॉर्म्स को ये भी कंप्लायंस करता है, मतलब भविष्य के लिए बिल्कुल रेडी है। और हाँ, कम प्रदूषण करेगा यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली। एप्लीकेशंस की बात करें तो सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप्स में, सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर्स में और या फिर कुछ एक्सकवेटर्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। और हाँ, एमिशंस की बात चल रही है तो टाटा मोटर्स के पास ना सिर्फ इंजन के अंदर एमिशंस कंट्रोल करने की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है बल्कि एमिशंस को बाद में कंट्रोल करने के लिए यानी कि एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम की भी एक पूरी की पूरी रेंज उपलब्ध है। तो आपने देखा किस तरह से टाटा मोटर्स के एग्रीगेट्स इंजीनियर्ड हैं अनइंटरप्टेड और इकोनॉमिकल ऑपरेशंस के लिए। अब यहाँ पे जो शोकेस किया गया है वो एडवांस सॉल्यूशंस है, और ये कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्रीज में पायनियर अपने आप में ही बनते हैं। अगर हम एक्सकॉन 2023 की बात करें तो यहाँ पे आपको मैंने अभी टाटा मोटर्स के जेनसेट्स, इंडस्ट्रियल इंजिन, लाइव एक्सेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उम्मीद कर रहे हैं ये फ्यूचर रेडी यानी कि CEB5 नॉर्म्स को कंप्लायंस करने वाले या CPCV4+ नॉर्म्स को कंप्लायंस करने वाले सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप व्हील्स एंड व्लॉग्स के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखा सकें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।